हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कुछ डिफरेंट, क्योंकि आज हम रीडिंग करने वाले हैं 48 आवर्स के ऊपर। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जनरल है, सभी के लिए की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट होगा। आप ये दिमाग में रख के चलें कि जो कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। लेकिन हाँ, जो गाइडेंस और एडवाइजेज आपके लिए निकल के आती हैं, आपको उनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना है। अगर इन दिस केस कि अगर कुछ ऐसा निकल के आता है जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा पेनफुल दे सकता है, या इस सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में क्या निकल के आता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ अगर रीडिंग आती है तो आपको गाइडेंस और एडवाइजेस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ओके, तो चलिए व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। ओके, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। और व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड जरा। ओके, सो लेट्स सी, बताएं क्या है। ओके, सो वी हैव द क्राउन चक्रा, सेवन चक्रा। ठीक है, ओके। सो व्यूअर्स, फिलहाल की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ आपकी, ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में ना, मतलब आप लाइफ में अपनी इस समय अपने मे बी मटेरियल सक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब आपको आपको आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे अगर ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, अगर मुझे ये करना है तो करना है। तो ये कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप लोग के दिमाग में कोई बात ऐसी है जो बैठी हुई है और आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, कुछ चेंजेस नहीं चाहते हो, कुछ बदलना नहीं चाहते हो। सम काइंड ऑफ मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक तरह का आपके अंदर, जैसे कि ना आपके अंदर कोई बात है जो, मतलब आप उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में जो मैंने डिसाइड किया है, जो प्रायोरिटीज़ मैंने अपने लिए सेट की हैं, जो मैंने सोच लिया है, या मैंने अपने लिए जो बाउंड्रीज बना ली हैं, जो गोल्स बना लिए हैं, जो मेरी लाइफ में, मतलब आपके दिमाग में है कोई ऐसी बात, ठीक है, कुछ तो ऐसा है अपनी लाइफ को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके, जिसको आप अपनी लाइफ में से ना तो किसी कीमत पे जाने देना चाहते हो, ना ही उसे चेंज करना चाहते हो, ना ही उसे बदलना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड मतलब नज़र आ रहे हैं, सॉलिड मतलब जिसके दिमाग को आप चेंज नहीं कर सकते, आप चाहे कितना भी कुछ कहो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये कुछ मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यानी अगर सपोज़ करो कि एक इस तरह की, मतलब होता ना कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, आप वैसे ही होगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में समवेयर ये देखा है कि आपने मे बी सेक्रीफाइसेस बहुत किए होंगे पहले, हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हों, लेकिन अब आप सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी इस समय कोई ना कोई बात आपके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी नज़र आती है मुझे, और ये एक तरह का सिग्नल भी है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा रिजर्व हो गए हो, ठीक है, अगर आप इतने ज़्यादा स्टबन हो गए हो, या फिर आप अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हो, पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ बदल नहीं रहे हो, वही एक फॉलो बहुत समय से फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है कि आप उसको चेंज करो, तो समवेयर व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपके दिलो दिमाग में कोई बात ऐसी है जो मैं आपको
बताने की यहाँ पे कोशिश करी, और आपको पता है कि आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बात है। दिल दिमाग चारों तरफ आपके दिमाग, मतलब आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके आप लोग स्टक हो गए हो। अटकने वाली ये एनर्जी है, रुक जाने वाली ये एनर्जी है, थम जाने वाली ये एनर्जी है, आपको आगे बढ़ने ना देने वाली ये एनर्जी है, जिसमें मुझे आप लोग स्टक नज़र आते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने 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 दिमाग से भी मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है आपके दिमाग में हर वक्त, लेकिन आप लोग सोल्यूशन वैसा नहीं देख पा रहे हो जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, या फिर आपको जो रास्ता बताया जा रहा है आप उस रास्ते पर भी चलने के लिए सम वेयर वीवर्स, आप लोग मुझे कुछ लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है कि रुके हुए नज़र आ रहे हो, रास्ते पे रुक गए हो, एक जगह पे आके रुक गए हो। मे बी सम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि चौराहा है आपके सामने, आपको हर कोई रास्ता दिखा रहा है, आप ये रास्ता पकड़ लो, 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 लेकिन आप कह रहे हो कि यार मैं किसके सुनूँ, किसकी सुनूँ। फिर आप रुक गए हो, अब थम गए हो, आपको जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आपने कहा नहीं अब मैं तो यही रुकूँगा या यही वेट करूँगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में इस समय आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो एक तरह की, वो मुझे यहाँ पे फील होता है। राइट, और व्यूअर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में आपके चारों तरफ एक ऑरा ऐसा मुझे फील होता है जो आपको आपको ये दिखाता है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है, तो ये टाइम आ चुका है नेक्स्ट 48 आवर्स का कि आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। आप समझो मेरी बात को, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ जब आपके दिमाग में जो बात बैठी हुई अगर आप उसको रिलीज़ करते हो। ठीक है, हाँ ये रिलीजमेंट आपके लिए आपको मे बी आपको अच्छा ना लगे, या फिर आप उसको करना ना चाहो, या फिर उसको करने से आपको मे बी लगे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं क्यों करूँ किसी और के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यही देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स से आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो और कुछ सेक्रीफाइसेस अगर कर भी रहे हो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि आप उन चीज़ों को अपने से दूर कर रहे हो जिसको आप अपने से दूर करना ही नहीं चाहते हो। मे बी कोई पैटर्न, कोई काम करने का तरीका, उसमें चेंजेस लेके आना, दिमाग में कोई बैठी हुई बात उसमें चेंजेस लेके आना। ठीक है, किसी के लिए कुछ चैरिटी कर देना, ये भी हो सकता है कि ठीक है ऐसा हो जाता है। आप समझने की कोशिश यहाँ पे करिए। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपके सामने कुछ ऐसा टाइम फ्रेम आएगा 48 आवर्स में कि आपको मे बी अपने लिए ना करके किसी दूसरे के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। तो आपको अगर ऐसा मौका मिलता है तो आपको करना चाहिए, और उसी में अगर आप देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में जिस समय में आप स्टक नज़र आ रहे हो उससे आप निकलोगे। ठीक है, या जिस वजह से आप स्टक हो उससे आप निकलोगे। आपको व्यूअर्स देखो मौका दिया जा रहा है, लेकिन मौका कैसे ना, वही भगवान आपके सामने आते हैं ना, एक ऐसा रूप लेके आते हैं कि देखो मैं ये नहीं कह रही आपके सामने नेक्स्ट 48 आवर्स में भगवान ही आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको समझो कि वो आते हैं कि बेटा मुझे भूख लगी है मुझे खाने को दे दो। आपके सामने दो ही रोटी हैं और आप खुद भी भूखे हो, और आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा, मैं तो खुद भूखा रह जाऊँगा, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए उसको दो रोटी दे दो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे कि मेरा भाग्य चमकेगा या नहीं चमकेगा। ठीक है, उसका पेट भर जाएगा सिर्फ ये सोच लो कि भाई मुझे तो फिर भी मिल जाएगी, उसका पेट भर जाएगा। अगर आप इस भावना से चलते हो तो एक अलग पैटर्न हो गया, और अगर आप ये सोचो कि नहीं पहले मैं तो खा लूँ उसका पेट बाद में अपने आप भरेगा, मैं क्यों भरूँ। ठीक है, मुझे बड़ी मुश्किल से दो रोटी मुझे मिली है, तो एक पैटर्न ये हो गया। तो आपके सामने इस तरह से दो चॉइसेस रहेंगे, एक होता है खुद के बारे में सोचना, एक होता है दूसरों के बारे में सोचना। तो आप किस तरह से चलते हो, तो आप अगर दूसरों के बारे में सोच लेते हो या फिर आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए और आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपनी कुछ खुशियाँ सेक्रीफाइसेस कर दो या अपना आराम सेक्रीफाइसेस कर दो। ठीक है, अगर आप सोचो सपोज करो पलंग पर आराम से बैठ के लेटे हो, इन्जॉय कर रहे हो, बहुत बढ़िया से आपकी लाइफ चल रही है, आपके सामने कोई काम किसी ने बोल दिया कि मुझे ये काम है मेरा कर दोगे, आपने बोला नहीं मैं तो एसी में बराबर मज़े से लेटा हूँ या लेटी हूँ, मैं क्यों काम करूँ। तो एक पैटर्न व्यूअर्स आपके सामने सिचुएशन ऐसी में भी क्रिएट होगी कि आपको दूसरे के लिए करने के लिए कुछ बोला जाएगा या फिर आपको अपना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए बोला जाएगा।
तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा नज़र आ रहा है कि यस डेफिनेटली जो आपको पेन दे रही है चीज़ें वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आपकी लाइफ में एक नई होप इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो एग्जांपल तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ दी हैं आपको, लेकिन अगर आपको समझ में आए हों तो आप समझो कि आपको यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि यार इसका काम करते करते मैं लटक गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर समझ गए हो तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं समझे हो तो मेरे पास आई थिंक कोई और एग्जांपल नहीं है जिसमें आपको बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो अगर सेक्रीफाइस करने को अगर टाइम आता है तो कर दो, नेक्स्ट 48 आवर्स की तो बात है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स आपसे फिर बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी बस मैं आप लोगों को यही देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा किसी भी चीज़ के प्रति मुझे टेम्प्टेड नज़र आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के प्रति आपका होल्ड नज़र आ रहा है कि आप उसको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आप कुछ बदलना नहीं चाहते, आप चेंज नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ किसी सिचुएशन के साथ में, किसी चीज़ के साथ में। तो मतलब आपको मन में ये है कि ये ना जाए मेरे पास से, बस मेरे पास रुक जाए, ठीक है, या फिर ये चेंज नहीं हो, ये मुझे नहीं करना है, ठीक है, आप ओवर रूल कर रहे हो, आप रूलिंग पार्टी बन रहे हो। आपको रूलिंग पार्टी बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा सपोर्टिंग पार्टी होती है ना, आप सपोर्टिंग पार्टी में आ जाओ और थोड़ा सा आपने आपको थोड़ा चेंज करो, बदलो। आप समझ रहे हो ना, पार्टी वाला जो लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज जानते होंगे तो वो समझ पाएंगे कि रूलिंग पार्टी और सपोर्टिंग पार्टी क्या होता है। जब दोनों पार्टी मिलकर काम करती हैं तभी देश आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यानी तभी सिचुएशन आपकी जो है वो आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज होने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग मुझे चेंज नज़र आ रहे हो। चेंज की एनर्जी यही होती है कि जो आपका है या फिर आपके पास में जो आया है या फिर आपके पास में जो है आप उसे खोना नहीं चाहते हो। तो ऐसा थोड़ा सा अपने आपको मतलब कुछ भी अपना अपनी हैबिट है, अपनी लैंग्वेज, बॉडी ऑफ लैंग्वेज है या फिर अपने काम करने का तरीका है, ठीक है, तो ये आपको कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा ये इसमें चीज़ों को देखना होगा, राइट। चलिए मैं आपको देखती हूँ आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए सेल्फ के लिए क्या है। देखो हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने परिवार के लोग हों और आप मतलब हमेशा से ऐसे करते आए हों कि नहीं, आपको थोड़ा सा अपना चलाने का अच्छा लगता होगा, ठीक है, कि आप मे बी आप लोग मैन वाली एनर्जी जो होती है ना, मस्कुलिन एनर्जी, उसमें ज़्यादा रहते होंगे। अब आपको फेमिनिन एनर्जी माना पड़ेगा, तो ये समझ लो बस मस्कुलिन से फेमिनिन, अपना सोचने का नज़रिया, काम करने का नज़रिया बिल्कुल आपको चेंज करना होगा नेक्स्ट 48 आवर्स को लेके। ओके, दो कार्ड यहाँ पर आपके लिए आए हैं, चलिए देखते हैं। सरेंडर, ओह माय गॉड, मैंने बोला था आपसे, देखो यहाँ पर वही है, सरेंडर कर दो, चेंज कर दो, मतलब जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, आप अपना सरेंडर कर दो, जो भी आपके पास में है, सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर थिंकिंग, सरेंडर योर मटेरियल, जो भी आपके पास में है, जो भी आपने देखो किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना, बस ये समझ लो आप, ठीक है, और इनविटेशन इनवाइट करो फिर अच्छे कुछ चीज़ों को, ये सोच के करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है कि आप अगर आप कुछ अच्छे मतलब कुछ सरेंडर करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो आप उसके बदले बहुत कुछ पॉजिटिव इन्वाइट कर रहे हो अपनी तरफ, राइट। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है, अगर आपको ऐसा करने को मिलता है सो डेफिनेटली यू विल गो एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ वेरी सून, ठीक है। ओके व्यूअर्स, नीड्स, किसी की नीड होगी व्यूअर्स यहाँ पे, ताकि आप अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करो, राइट। तो आपका मे बी कंफर्ट सेक्रीफाइस हो जाएगा नेक्स्ट, मे बी आप लोग हार्ड वर्किंग हो जाओगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा अपनी मेहनत जितना आप करते हो ना उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने सिचुएशन ही ऐसी होगी। सो हार्डवर्क करने से घबराना नहीं और फिर देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है और आपको इसे लगा है कि आपको सही गाइडेंस मिली है, और मुझे बताना कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ओके, और व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।